कथा जिसको सुन के मिटे व्यथा। गंधर्वों का राजकुमार था, करता सदा ही पर उपकार था, जिसका नाम जिमूद्वाहन है। जो बताया गरुड़ भी फिर तो है बचताया, कहने
जो आए जी मोत वाहन पूजे जाए, होती है संतान की रक्षा। संकट सब जीवन का टलता, निर्जल व्रत ये किया है जाता, जितिया व्रत की यही है गाथा। पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जिसको सुन के मिटे व्यथा। आश्विन मास की अष्टमी का दिन, जीवित पुत्री का व्रत का है दिन, श्रद्धा भाव से इसी निभाना और कथा भी सुनना सुनाना। घर में तब खुशहाली छाए, ना संतान पे संकट आए, व्रत बड़ा ही है पावन। जिसको सुन के मिटे व्यथा। ये नाग वंश की एक दुखियारी माँ की कहानी है, ये नाग वंश की एक दुखियारी माँ की कहानी है, माँ की कहानी है। सब सुनो जीतिया व्रत की पावन कथा सुहानी है, सब सुनो जीतिया व्रत की पावन कथा सुहानी है। खुश थी प्रजा, न्याय प्रिय था शासन, न्याय प्रिय था शासन। द्वापर युग में एक थे राजा, नाम था जी मुतवाहन, उनके राज में खुश थी प्रजा, न्याय प्रिय था शासन, न्याय प्रिय था शासन। हम आज पहाड़ पे घूमेंगे राजा ने ठानी है, हम आज पहाड़ पे घूमेंगे राजा ने जीतिया व्रत की पावन कथा सुहानी है, सब सुनो जीतिया व्रत की पावन कथा सुहानी है। औरत के रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। पहुंच गई पर्वत पे राजा, मौसम था सुखदाई, तभी वहां एक औरत के रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। चल की मदद करे उसकी मन में ठानी है, चल की मदद करे उसकी मन में ठानी है, मन में ठानी
जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। सब सुनो जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। सब सुनो जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। नारी विपदा बड़ी है मेरी, विपदा बड़ी है मेरी। मारेंगी मेरे पुत्र को आज गरुण ने ठानी है। मारेंगे मेरे पुत्र को आज गरुण ने ठानी है, गरुण ने ठानी है। सब सुनो जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। सब सुनो जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। किसी का पुत्र उसे जाता है रोज परोसा, जाता है रोज परोसा। नाग वंश की रक्षा खातिर करुण से है समझौता। किसी न किसी का पुत्र उसे जाता है रोज परोसा, जाता है रोज परोसा। गरुण देव की नागों से दुश्मनी पुरानी है। गरुण देव की नागों से दुश्मनी जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। सब सुनो जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। सब सुनो जीतियावत की पावन कथा सुहानी है। हम जाएंगे गरुड़ के पास, जाएंगे गरुड़ के पास। करेंगे तेरे
कहानी है, सब सुनो जीतिया व्रत की पावन कथा सुहानी है। पूजा झूम झूम गाई ज्योति करुण का
दिया व्रत की पावन कथा सुहानी है। सब सुनो जीतिया व्रत की पावन कथा सुहानी है। हम जीवित पुत्री का व्रत की भक्तों कथा सुनाती है, पावन कथा सुनाती है। जीतिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। हम जीवित पुत्री का व्रत की भक्तों कथा सुनाती है, पावन कथा सुनाते हैं। जीतिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं जीतिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं जीतिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। Oh, 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 oh
कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को शायद गरुण मिटाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर मेरी आंखों में आंसू आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है।
ग्रह पे पाया। लगा पूछने गरुण कौन तुम और कैसे आए, जीमुत वाहन ने सारा किस्सा दिया बतलाए। बोला कि हम अपनी बलि खुद देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। वो सब मर जाती है,
पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। खुशी से दिन फिर यूं ही गुजरते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निर्दोष थे लेकिन मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। शीश भी धड़ से दिए लगाए, धड़ से जोड़ के शीश है उन पे अमृत छिड़क दिया। शीलावती के साथ पुत्र ही हो गए हैं जिंदा। रखी थी जो सर टोकरी में वो फूल बनाए हैं, शीलावती ने सोचा बहन ने भिजवाए हैं। क्योंकि पुत्र कुशलता पूर्वक घर में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी।
पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। तब से ही बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं।